नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आपको मिला था कम्युनिकेशन स्किल का 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, जिसमें से कुछ आसान थे कुछ मुश्किल। और तो चलिए देखते हैं कौन कैसा क्वेश्चन था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े क्या बोलते हैं उसको, बहुत फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो, यानी कि उसके चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो वो आपको जानबूझ कर दिए गए थे ताकि आप कुछ सोच सके, अपना दिमाग वहां पे लड़ा सके, है कि नहीं। झूठ मूठ के वेब सीरीज देखे से तो अच्छा है कि क्वेश्चन पे दिमाग लड़ाए, नंबर बढ़ाएगा एग्जाम में। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि व्हिच ऑफ दिस इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसमें एक्सटर्नल साउंड कौन है, किसको कहते हैं एक्सटर्नल साउंड। क्या सिमेंटिक प्रॉब्लम को? नहीं। ओवर कम्युनिकेशन? नहीं। कल्चरल बैरियर? नहीं, बल्कि नॉइज। अब बैरियर यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि यदि चैनल में बाहर से कोई शोरगुल आ रहा है, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, बगल में डीजे बज रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं, और ये फिजिकल बैरियर का एग्जांपल होता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दीज शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हिच ऑफ दीज शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यदि आपको करना है तो इनमें से किन को अवॉइड नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, अवॉइड नहीं करना है। तो किसको अवॉइड नहीं करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? नॉइज को, या प्लानिंग को, रॉन्ग एजम्पशन को, या सिमेंटिक प्रॉब्लम को? तो आप प्लानिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि बोलने से पहले आपको क्या करना है, प्लान करना है, पहले आप सोच लेना है, आपको योजना बना लेना है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समझे। तो प्लानिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, नॉइज को तो अवॉइड करना ही रहता है, जितने बैरियर उनको तो अवॉइड करना ही पड़ता है। तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स आर प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो एक्सप्रेशन से अराइज हो रहे हैं? आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे सिमेंटिक बैरियर को तो उसमें यही बात बताई जाती है कि अगर मतलब गलत निकले या फिर एक्सप्रेशन का ही प्रॉब्लम आ जाए, मैंने व्यक्त करने में ही दिक्कत आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं सिमेंटिक प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे अगर इलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखिए, कल्चरल बैरियर एक कल्चर से रिलेटेड बात करता है, यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। रॉन्ग एजम्पशन, आप गलत मान्यता माने हुए हैं, या फिर सेलेक्टिव परसेप्शन, पहले से पूर्व धारणा आपके मन में है, तो इन सब चीजों को हम आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाकी तीन ऑप्शन को, इसलिए हमारा सही आंसर है बी। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर था सिमेंटिक प्रॉब्लम, और जो डेफिनेशन आपको लिखाया गया है वो अपनी नोट कॉपी में देखिएगा, वहीं पर यही डेफिनेशन लिखा गया है। बोथ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर इमोशन। अब ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन है, इनकोडिंग और डिकोडिंग, क्या दोनों इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं? जाहिर सी बात है हाँ भैया, यदि हम इमोशनली ठीक नहीं है, गुस्सा में है, या कोई डर है हमारे अंदर, या फिर बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, तो आप ध्यान से क्लास में पढ़ नहीं पाते हैं। यानी कि अगर स्पीकर के पास कोई इमोशनल दिक्कत है तो ठीक से मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, और अगर रिसीवर के पास दिक्कत है तो ठीक से मैसेज वो रिसीव करके डिकोड नहीं कर पाएगा, इट इज ट्रू। फिफ्थ ऑप्शन, इन व्हिच ऑफ दीज प्रॉब्लम इज द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन द अबंडेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन। किस केस में इन्फॉर्मेशन में एक्चुअल मैसेज ही लॉस्ट हो जाता है? तो जब एक ही दिन में पूरा कम्युनिकेशन आपको एक ही क्लास में पढ़ाने बैठ जाए ना, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा मैसेज, यानी कि इसको कहते हैं ओवर कम्युनिकेशन। इसको क्या कहते हैं? ओवर कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। छठा क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन शुड सर्व एज ए कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन एक्सरसाइज। क्या कम्युनिकेशन करके दो लोगों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, कोई वाद विवाद है, उसको सोल्व किया जा सकता है? और क्या कम्युनिकेशन को इसी तरह प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका एक्सरसाइज यही होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करे? तो हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कम्युनिकेशन का प्रयोग होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। सेवन, फिल इन द ब्लैंक्स मींस टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। किसका मतलब आप समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वाला प्रक्रिया चल रहा है, किसका? रिसीवर, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग। जाहिर सी बात है यदि कोई रिसीवर डिकोड कर रहा है, इसका मतलब वो डिकोड कर रहा है किस लिए? समझने के लिए ना, तो फिर अंडरस्टैंडिंग इसी में हो रही है। एट क्वेश्चन है,
When is the communication process complete? Communication का process complete कब माना जाता है? कब? जब receiver receive कर ले, समझ ले, feedback दे दे. यहाँ पे option के अनुसार क्या है? When the sender transmit message. जब message को transmit कर दिया sender. नहीं, वो तो अभी शुरू हुआ है communication. When the message enters the channel. नहीं, अभी तो message channel में गया ही है. When message leave the channel. जब message channel से निकल गया. नहीं, ये अभी complete नहीं हुआ है. When the receiver understand the message, ये बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन के अनुसार जब रिसीवर समझ लिया मैसेज को तो कम्युनिकेशन हमारा कम्प्लीट हो गया. अगर यहाँ पे रहता फीडबैक देने के बाद तो हम ऑप्शन लगाते फीडबैक देने के बाद कम्प्लीट हुआ. नाइन्थ, फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का पहला दुश्मन कौन है? नॉइज. जाहिर सी बात है, पढ़ते ही यहाँ पे पता चल रहा है. पोलाइटनेस मतलब कि ठीक से आप बोल रहे हैं, एकदम शांत स्वभाव से बोल रहे हैं, तो दुश्मन थोड़ी हुआ, तो अच्छा बात हुआ. क्लैरिटी, आप मैसेज क्लियरली बता रहे हैं, साफ सुथरा एकदम सीधे शब्दों में मैसेज दे रहे हैं, ये तो अच्छा बात हो गया. कंप्लीटनेस, आप पूरी बात बता रहे हैं, आधा अधूरा नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो ये तो अच्छा बात हो गया. तो दुश्मन कौन हुआ? नॉइज. इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है. टेंथ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किसको अवॉइड करना जरूरी है? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी. एक्टिविटी को शेयर नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, गलत बात है. इसी यही तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है कि एक्टिविटी शेयर किया जाता है. लिसनिंग, लिसनिंग को अवॉइड करना चाहिए, पोलाइटनेस को अवॉइड करना चाहिए या एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए. लिसनिंग क्या? ध्यान से सुनना. आप ध्यान, आप अच्छा तभी बोल पाएंगे जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे. पोलाइटनेस, पोलाइटनेस यदि आप पोलाइटनेस रखेंगे अपनी बातों में, आप पोलाइट होकर बोलेंगे, यानी कि सभ्य तरीके से, शांत तरीके से, बिना गुस्सा किए बोलेंगे, तो अच्छा बात हो गया. तो ए बी और डी तो अच्छा बात हो गया, जाहिर सी बात है. तो सी एम्बिग्विटी होता है. एम्बिग्विटी मतलब क्या? ये लगता है जैसे कोई बेचैन हो रहा है, मतलब कि जल्दी जल्दी में है, समझे. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड से तीन को ऑप्शन तो समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. लेकिन अगर मीनिंग भी देखा जाए तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, अस्पष्ट है कोई, तो इसको एकदम आपको निग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, अवॉइड करना ही पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा. इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही है. अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे. 11th क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए कमांडमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए कमांडमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इनमें से कौन है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कमांडमेंट नहीं है? क्या? फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन. क्लैरिटी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए. पुअरली लिसनिंग होना चाहिए, मतलब कि सुनना चाहिए खराब से, बिल्कुल नहीं. एडिक्वेट मीडियम, एडिक्वेट मीडियम कहने का मतलब क्या कि जिस समय जैसा मीडियम चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, उस समय आप वैसा ही मीडियम चुन रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना. जब फोन पे, मतलब कि फोन से बात करने की जरूरत थी, वॉइस कॉल, आपने वॉइस कॉल चुना. लेटर की जरूरत थी तो आपने लेटरिंग चुना. वीडियो कॉल की जरूरत थी तो वीडियो कॉल चुना. और जब जरूरत ऐसा महसूस हुआ कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होना चाहिए तो आपने ऐसा मीडियम चुना कि नहीं, फेस टू फेस सामने सामने बैठ के टेबल पे बात करेंगे, तो ये एडिक्वेट मीडियम आपने सेलेक्ट करा, ये तो अच्छा बात है. होम कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल, घरेलू कम्युनिकेशन स्किल मान सकते हैं. हालांकि होम कम्युनिकेशन स्किल जैसा कोई टर्म होता नहीं है, फिर भी अगर माने तो होम कम्युनिकेशन स्किल कैसा? जैसा ऑडियंस समझ सके बिल्कुल वैसा फ्रेंडली कम्युनिकेशन स्किल. तो इनमें से आपको क्या लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कमांडमेंट नहीं है, कौन जरूरी नहीं है, एक तरह से मान सकते हैं? तो लिसन पुअरली, खराब से अगर सुनिएगा तो आपका मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा. इसलिए 11 का आंसर बी. 12, द स्टिमुलस टू कम्युनिकेट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ. द स्टिमुलस टू कम्युनिकेट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ. किसके दिमाग में खलबली मच रही है बात करने के लिए? जल्दी सोचिए. एक सेंडर, एक रिसीवर. अब सेंडर कुछ बोलेगा तभी ना रिसीवर सुनेगा. रिसीवर तो इंतजार में है कि कुछ बोले तब हम सुने. तो किसके दिमाग में आया बोलने वाला जो कीड़ा होता है? कौन सोच रहा है कि आप बोले, आप बोले, मतलब बोलने के लिए उत्साहित हो रहा है? कौन? सेंडर है कि नहीं? तो यहाँ पे रिसीवर तो होगा नहीं, ट्रांसमीटर. अच्छा देखिए, सेंडर को यहाँ पे ट्रांसमीटर बोला गया. ट्रांसमीटर कौन? जो ट्रांसमिट करे. तो ट्रांसमिट कौन करता है? सेंडर. इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी. ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, रिलेशन और ट्रांसमीटर होगा नहीं. 13, सिमेंटिक गैप रेफर्स टू. सिमेंटिक गैप किसको कहते हैं? सिमेंटिक गैप अगर बात करी जाए तो सिमेंटिक में क्या पढ़ाया था आपको? सिमेंटिक किसको कहते हैं? लैंग्वेज के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज के एक्सप्रेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, मीनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है. जैसे मैं एक ही बात को अगर दो लोग बताए और दोनों अलग अलग मतलब बताए, अब बच्चा कंफ्यूज है कि नहीं?
तो वहां जो गैप आया उसको कहते हैं सिमेंटिक गैप। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप एक सब्जेक्ट को अलग अलग किताब से नहीं पढ़िए, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। एक किताब से एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़िए, एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है, एक चीज को अलग अलग जगह से पढ़ने से बेहतर है एक चीज को बहुत बार पढ़ लिया जाए एक ही जगह से। तो सिमेंटिक गैप, ऐसा कोई कौन बोल रहा है इसमें? टाइम गैप गलत, टाइम पीरियड गलत, स्माइल ऑन कम्युनिकेटर गलत, बॉडी लैंग्वेज गलत, इसके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। समझे, 13 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत है, कोई टाइम गैप नहीं बताता है इसमें। अगर बुक में आंसर देखा जाए तो आंसर शायद बताता है बॉडी लैंग्वेज, जो कि सही आंसर नहीं है। तो यही एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था। आप बहुत माथा फोड़ी करे होंगे फिर भी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन कह रहा है क्रोनेमिक्स रिफर्स टू नॉन वर्बल कोड। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सबको याद करना है आपको, किसको कहते हैं क्रोनेमिक्स, किसको हैप्टिक्स, कौन किससे रिलेटेड है कि नहीं? तो ये 6-7 जो कोड लिखवाए थे आपको याद होने चाहिए। तो क्रोनेमिक्स कौन था जी? यूज ऑफ टाइम। हाँ, नहीं याद है ना, गलती हो गया, याद करिएगा, एकदम बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? ए गुड स्किल एंड कंप्लीट, ए गुड स्किल एंड कंप्लीट इन लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। आपको भाषा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड इन करेक्ट सिक्वेंस, आप जो शब्द चुनते हैं ध्यान पूर्वक चुनते हैं और करेक्ट सिक्वेंस में चुनते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, करेक्ट सिक्वेंस राम ए मैंगो इट्स ए, लो ये हो गया उल्टा पुल्टा, तो करेक्ट सिक्वेंस नहीं है। इसीलिए केयरफुल चॉइस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गुड स्किल होना चाहिए, सही बात है। इट इज मोर वैलिड एंड रिलायबल इन टूडे वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। आज के आधुनिक युग में, बिजनेस के युग में और प्रोफेशनलिज्म में इसका ज्यादा वैल्यू बढ़ गया है, वैलिडिटी ज्यादा हो गया है और ये ज्यादा रिलायबल है। तो क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात है, आज के समय में बहुत ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि एक सेकंड में करोड़ों ईमेल इधर से उधर भेजे जा रहे हैं लिख के। यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा 15 का डी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? स्पीच कंटेंट्स द एलिमेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज सच एज। स्पीच में पैरा लैंग्वेज होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के पीछे पीछे पैरा लैंग्वेज आता है। तो कौन कौन से पैरा लैंग्वेज आते हैं? वॉइस क्वालिटी अच्छी है, सही बात है, पैरा लैंग्वेज है। स्पीकिंग स्टाइल एंड प्रोसोडिक फीचर, प्रोसोडिक फीचर किसको कहते हैं? जब आप अपनी बात को बोलते बोलते कभी तेज कभी कम करते हैं ना वॉइस के लेवल को, तो वो होता है प्रोसोडिक फीचर बोला जाता है उसको। तो स्पीकिंग स्टाइल बोलने का तरीका, ये भी पैरा लैंग्वेज है। आई कॉन्टेक्ट, ये भी पैरा लैंग्वेज है। अगर कोई सेंडर मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है और वो ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बना रहा है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आंख चुरा रहा है। जैसे आप पहला बार जब स्टेज पे चढ़े थे आपको आंख मिलाने में दिक्कत होती थी, होती होगी अगर आप कभी स्टेज पे चढ़े हैं तो। अगर आज तक नहीं चढ़े हैं तो फिर कभी चढ़ के देखिए, पांव कांपने लगते हैं। तो ये सब पैरा लैंग्वेज है, यानी कि आप बोल रहे हैं शब्द लेकिन उसके साथ साथ ये जो दिख रहा है ये सब होता है पैरा लैंग्वेज। समझे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा स्पीच कंटेंट्स द एलिमेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज कौन कौन होते हैं? तो वॉइस क्वालिटी भी होती है, स्पीकिंग स्टाइल भी होता है, आई कॉन्टेक्ट भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ सी में होना चाहिए था, और जो ऑप्शन सी है वो डी में, और ऐसा होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बोथ ए एंड बी, जो कि गलत है। बोथ ए बी मतलब कि तीनों, ए बी और डी तीनों, यानी कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप इसको अपने तरफ से ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन, पर्सन बेस्ड फीडबैक रिलेट्स टू। जो पर्सन बेस्ड फीडबैक मिला गया वो किससे रिलेटेड है? तो सेंडर के पर्सनालिटी और बिहेवियर पे, बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल सही। सेंडर के एटीट्यूड एंड एटिक्वेट पे, बिल्कुल सही। इसका ऑल ऑफ द अबव सही होगा। फिर से यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिखा गया है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन है, टेक्निकल कम्युनिकेशन डज नेसेसरली रिक्वायर। टेक्निकल कम्युनिकेशन में एकदम होना ही चाहिए क्या? लैंग्वेज में प्रोफिशियंसी, भाषा की जानकारी, प्रोफिशियंसी इन सब्जेक्ट, जिस विषय पे आप बोलने वाले हैं उसमें प्रोफिशियंसी, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चरिंग आइडिया, आप आइडिया को स्ट्रक्चर किस प्रकार करते हैं, कैसे बताना है, इस पे ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आप पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन यूजिंग नेग्लिजिबल नंबर ऑफ वर्ब। कोई लॉजिक बनता है कि वर्ब का प्रयोग कम से कम करना है? नहीं। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ब, लो वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा कोई बात तो नहीं बताया गया था।
कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी, ये सही आंसर है। बॉडी के थ्रू कम्युनिकेशन, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, जो बहुत सारे बच्चे मारे हैं, ऑल ऑफ दी अबव दिखा नहीं कि उस पे आंसर ठोक देना है, जो कि बहुत गलत तरीका है। एसबीटी के क्वेश्चन में बच्चे ने एक पैटर्न बना लिया कि जहां पे बोथ हैंड भी मिला और जहां पे ऑल ऑफ दी अबव मिला आंसर उसी पे मारना है और गलत हो जाता है। 20वां क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, मीडियम, डिकोडिंग, इनकोडिंग, ये सब है एलिमेंट। एयर कहां से बीच में, हवा आ गया है कि नहीं, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार सेंडर, मैसेज और रिसीवर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट नहीं है, तो 20 के आंसर ए हो जाएगा। फीडबैक इज, फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या, जब सेंडर रिसीवर को कुछ बोलता है, रिसीवर जो जवाब देता है उसको कहते हैं फीडबैक। द प्रोसेस थ्रू विच द स्पीकर रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ हिज मैसेज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर। बिल्कुल सही बात है, उसका जो सेंडर का जो मैसेज हुआ, रिसीवर ने कैसे एक्सेप्ट किया, ये जानने का तरीका क्या कहलाता है, फीडबैक। बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस टू गेट रिसीवर रिएक्शन टू ए सर्टेन मैसेज, यदि कोई मैसेज पे रिसीवर का क्या रिएक्शन हुआ, यही तो फीडबैक कहलाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, प्रेस, क्वेरी, कमेंट अबाउट सेंडर और हिज परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, सेंडर के बारे में या सेंडर के परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर भीड़ में सब लोग बैठे हुए हैं, हमने भाषण दिया, उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब उसने सुना तब तक क्वेश्चन उठा, यानी कि ये सब फीडबैक के रूप है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैसेज सेंट बाय सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। सबॉर्डिनेट नीचे वाले को बोला जाता है, सुपीरियर ऊपर वाले को बोला जाता है किसी ऑफिस में, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। व्हिच वन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन से रिलेटेड कौन नहीं है, आपको क्या बताया था कि हमारा दोस्त आया दारू पी के अंगूर का, है कि नहीं, तो अंगूर का दारू पी के आया है, तो क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा, फॉर्मल तो अच्छा से तो बोलेगा नहीं, खूब सारा गलत तरीका से बोलेगा। याद करने का तरीका बताया थे, ऐसा कुछ नहीं कि इसको डेफिनेशन में याद करने लगेगा। तो कह रहा है कि ग्रेफ वाइन में कौन एप्लीकेबल नहीं है। पहला ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज इन रिटेन फॉर्म, हमेशा लिखित फॉर्म में होना चाहिए, कोई जरूरी है हमेशा कोई गाली लिख के थोड़ी देता है, पहला ही ऑप्शन गलती हो गया, बाकी तीनों नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, सही बात है। इट एग्जिस्ट बिकॉज द फॉर्मल नेटवर्क डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, सॉरी इट एग्जिस्ट बिकॉज द फॉर्मल नेटवर्क डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है कि हमेशा से फॉर्मल जो नेटवर्क है उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की पूरी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही बात है। ऑफिस से निकलने के बाद लंच ब्रेक में, मीटिंग के दौरान गप सड़क का होता है ना, वो सब इनफॉर्मल में आता है। इट इज जूसी एंड इंटरेस्टिंग विथ फ्रेशनेस अबाउट द स्टोरी। जी हाँ, आप जब नन मतलब कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा हुआ रहता है, अफवाह किस तरह से मजेदार होता है, तो यही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 24 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं, अपवर्ड तो नहीं कहेंगे, डाउनवर्ड तो नहीं कहेंगे, लेटरल कहेंगे। लेटरल मतलब वही होता है बगल में, तो हॉरिजॉन्टल अपने लेवल पे होता है ना, इसीलिए उसको लेटरल कहेंगे, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। चलिए 25वां क्वेश्चन। द इनकोडर ऑफ द मैसेज इज, इनकोडर कौन होता है जी, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस तो रिसीव करती है, डिकोड करती है, मीडिया चैनल का क्या काम, रिसीवर डिकोड करती है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 26 पैरा लैंग्वेज डस नेवर इंक्लूड। पैरा लैंग्वेज में क्या नहीं आता है, रिदम आता है, स्ट्रेस आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, कल्चरल एस्पेक्ट नहीं आता है। 26 का आंसर डी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज कवर्ड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कितना परसेंट मैसेज डिलीवर हो जाता है नॉन वर्बल के थ्रू ही, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके शरीर के बॉडी के मूवमेंट के मूवमेंट से, आपके आई कॉन्टेक्ट से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, ये सब पोस्चर से, है कि नहीं, तो कितना परसेंट जी, 65%, याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी। कम्युनिकेशन बैरियर कैन नॉट बी ओवरकम, ऐसा बात नहीं है कम्युनिकेशन बैरियर को हटाया तो जा सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी ओवरकम, यस कैन, कम्युनिकेशन बैरियर कैन ब्रेक कम्युनिकेशन साइकिल, यस कम्युनिकेशन बैरियर अगर आ गया तो साइकिल पूरा होने नहीं देगा, बीच में ब्रेक कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। फिर से 29वां क्वेश्चन में आ गया क्रोनेमिक्स। बोले ना नॉन वर्बल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्रोनेमिक्स किसको कहते हैं जी, तो यूज ऑफ टाइम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ड्रेस एंड अपियरेंस, पहनावा और दिखने में कैसा कोई लग रहा है वो।
टेल्स अलॉट अबाउट सोशल स्टेटस, जाहिर सी बात है कोई बढ़िया कपड़ा पहने है तो सोशल स्टेटस दिखने में सोशल स्टेटस का अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ सोशल स्टेटस का कुछ है। इम्प्रेस द ऑडियंस, इम्प्रेस द ऑडियंस कहने का मतलब क्या, ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाती है, हाँ ड्रेसिंग और अपियरेंस ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। हैज नो रोल इन ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब समझते हैं, ग्रूम मतलब क्या, दूल्हा। अब कोई बहुत ज्यादा सज संवर के आ गया है स्कूल में कॉलेज में तो कहते हैं एकदम दूल्हा बन के आया है, तो बताइए कि क्या ड्रेस का कोई रोल नहीं है ग्रूमिंग में, ऐसा थोड़ी है, ड्रेस ही तो दूल्हा पहनता है जोकर जैसा तो अच्छा लगता है कि नहीं, तो रोल होता है, इसलिए ड्रेस एंड अपीयरेंस हैज नो रोल इन ग्रूमिंग इज गलत बात। ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी इसका सही जवाब है। तो इस 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपने जितनी माथाफोड़ियां करी इसके इसको बनाने में आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाला रहेगा। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन के बाद आपको फिर से 30 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप वहां फिर से अपना दिमाग लगाएंगे और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। जय हिंद।